आषाढ़ माह की अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह अमावस्या 18 जून 2023 दिन रविवार को रहेगी। इस अमावस्या को दान पुण्य और पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले तर्पण के लिए बहुत ही उत्तम एवं विशेष फलदायी माना गया है। आषाढ़ी अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए 5 में से मात्र एक उपाय कर लेंगे तो पितृ दोष दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित के टोटके में। दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। पहला है तर्पण। प्रातः जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। इसके बाद नदी के किनारे पितरों का पिंडदान या तर्पण करें। अमावस्या पर घर में खीर पूजी आदि बनाकर उसका उपले पर गुड़ घी के साथ पितरों के निमित्त भोग लगाएं। दूसरा है व्रत। इस दिन पितरों की शांति के लिए आप चाहें तो उपवास रख सकते हैं। विधिवत उपवास रखने के बाद पितृ सूक्त का पाठ करें और दूसरे दिन व्रत का पारण करके ब्राह्मण भोज कराएं, या इस दिन कौवे को अन्न और जल अर्पित करने के साथ ही गाय एवं कुत्ते को भोजन कराएं। तीसरा है दान। पितरों की शांति के लिए किसी गरीब ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस दिन पितरों की शांति के लिए हवन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पितरों की शांति के लिए किसी भूखे को भरपेट भोजन जरूर कराएं। चौथा है दीपक। इस दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों का स्मरण करके पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। पांचवा है शिव पूजा। पितरों के निमित्त अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की विशेष पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। दोस्तों और मित्रों, आशा करता हूँ इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।